अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातो मुसलमान भाइयों, आज आप लोगों का सामने हम कुछ बताने आए हो। देखिए, हम एक रिवर्ट मुसलमान हैं। पहले हिंदू था, नॉन मुस्लिम था। पहले मैं हिंदू था, कुरान मजीद को पढ़ा, अल्लाह ने हिदायत दिया, इस्लाम कबूल किया। उसका बाद तबलीग जमात का साथ था, राकेश एक्स जो अली भाई वो दावत दिया, उसका बाद हम अहले हदीस में आया। लेकिन आज हालत मेरे बहुत ख़राब है। एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी को माफ़ करो, दाढ़ी को माफ़ करो, मीन्स दाढ़ी को मत काटो। लेकिन हम दाढ़ी काटने जा रहे हैं। सुनो अहले हदीस का जो जमात है, सबको बोल रहा हूँ और अहले हदीस अच्छे से सुनो। हम दाढ़ी काटने के जा रहे हैं, क्यों जानता है? क्यों जा रहा है? दाढ़ी काट देंगे क्यों? जब मेरे हालत, फाइनेंशियल हालत सही नहीं है, मेरे कोई खबर भी नहीं लेते अहले हदीस का जो जमात है, कोई खबर नहीं लेते। मेरा 4 महीना हो गया, किराया नहीं दे पा रहा हूँ, 30,000 का ऊपर मेरे कर्ज है, घर में खाना नहीं है, चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना नहीं है, क्या करूँ? हम सपोर्ट नहीं करते कई अहले हदीस के लोग, क्यों? सुनो, आज जो हम दाढ़ी काटने जा रहे हैं ना अहले हदीस लोग, उसका जिम्मेदारी सारा तुम लोग को पड़ेगा। इंशाल्लाह हम आखिरत के दिन सामने से जाने नहीं देंगे। इंशाल्लाह तुम लोगों सबको पकड़ेंगे, हम सबको पकड़ेंगे। हमको सपोर्ट नहीं किया ना, कल से हम दाढ़ी काटने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।